इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक को निरस्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट से सीधे एनआईए दफ्तर अमित शाह पहुंचेंगे, जहां मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल मोदी एट 20 कार्यक्रम में भी शामिल होंगे अमित शाह, लेकिन जो एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली थी प्रदेश कार्यालय में, उसे निरस्त कर दिया गया है। तो बता दें कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी और अब इसमें संशोधन किया गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक को निरस्त कर दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। एयरपोर्ट से अब अमित शाह सीधे एनआईए दफ्तर के मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां पर उद्घाटन करेंगे और उसके बाद मोदी एट 20 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। अब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक नहीं होगी, ये जानकारी दी गई है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। तो अब केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट से सीधे एनआईए दफ्तर के मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद मोदी एट 20 कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी थी, लेकिन अब इस बैठक में शामिल नहीं होंगे अमित शाह और इस बैठक को ही निरस्त कर दिया गया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, कल ही हम बात कर रहे थे कि ये अहम दौरा माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का, और खास करके जो पॉलिटिकल प्रोग्राम पे हम फोकस कर रहे थे, वो बैठक जो काफी अहम मानी जा रही थी निरस्त कर दी गई है, क्या कुछ वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी है, जो शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो बैठक होनी थी अमित शाह की, वो बैठक निरस्त हो गई है। अब बहुत साफ है, वो सीधा एयरपोर्ट से एनआईए के दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद मोदी एट द रेट 20 जो किताब लिखी गई है उस कार्यक्रम में वहाँ पर भाग लेंगे और उस किताब के बारे में बहुत सारे वक्ता हैं जो उस किताब के बारे में बोलेंगे। उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधा वो रवाना हो जाएंगे रायपुर एयरपोर्ट से। तो बहुत साफ है भारतीय जनता पार्टी की उसके बाद शाम को बैठक होनी थी, लगभग सवा घंटे की वो बैठक होनी थी, उस बैठक को फिलहाल अपरिहार्य कारणों से मना कर दिया गया। वो सीधा रायपुर से सबसे पहले आएंगे सेक्टर 24 जो नया रायपुर में स्थित है एनआईए दफ्तर, उसके बाद रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जहां मोदी एट द रेट 20 किताब का विमोचन होना और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। किताब के बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रखेंगे। ओपी चौधरी उस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल बैठक वो नहीं ले रहे हैं, अभी तक वहां से जो मैसेज आया दिल्ली से, उनका प्रोग्राम जो रीशेड्यूल होकर आया है उसमें बैठक नहीं है। मतलब साफ है, केवल गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम है, चूंकि एनआईए उन्हीं के अंडर में आता है, केंद्रीय गृह मंत्री, उसका उद्घाटन होगा एनआईए दफ्तर का, और केवल किताब पे वो बात करेंगे। फिलहाल कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़ा हो। फिलहाल उस कार्यक्रम को यहां पर निरस्त कर दिया गया है, केवल दो ही कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे, उसके बाद दिल्ली वापस लौट जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आदित्य जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होना था, राजनीति से जुड़ी एक बड़ी बैठक जो होनी थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। रीशेड्यूलिंग हुई है अमित शाह के कार्यक्रमों की, जिसमें सिर्फ दो कार्यक्रमों में शिरकत करके वे वापस दिल्ली लौट जाएंगे।